एक टेररिस्ट है फरातुल्ला गौरी, इसने एक वीडियो दिया कुछ दिन पहले और कहा है कि इंडिया के स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट हो जाना चाहिए और रेलवेज पर अटैक कर देना चाहिए, रेलवेज पर ट्रैक डिरेलमेंट्स करने चाहिए ट्रैक से छेड़छाड़ करके, एंड अलोंग विद दैट हमारे जो हिंदू लीडर्स हैं उन पर अटैक करना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज दिस फरातुल्ला गौरी और क्या ये इंडिया को वाकई थ्रेट कॉज कर सकता है, ऐसी एम्प्टी बातें बोल रहा है, बिकॉज पाकिस्तान से बहुत सारी एम्प्टी बातें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द सेम पर्सन जिसने मार्च 2024 में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट करवाया, एक कैफे था बैंगलोर में, वहां पर आईईडी ब्लास्ट हो गया, 9-10 लोगों की डेथ हो गई। अलॉन्ग विद दैट 2002 में अक्षरधाम टेम्पल में गुजरात में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें भी इसी आतंकवादी का हाथ था। नाउ व्हाई दिस टेररिस्ट इज कमिंग अप फॉरवर्ड नाउ, इतने साल से कहा था, तो बेसिकली अभी तक जो लीडरशिप थी वहां पे टेररिज्म की वो थी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हाथ में, लेकिन अब लश्कर ए तैयबा से रिलेटेड अब्दुल रहमान मक्की और अपना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने ही रिलीज किया था IC 814 की हाईजैकिंग के बाद, दोनों ही पर यूनाइटेड नेशंस की बहुत कड़ी नजर है और ये लोग डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और FATF भी अब पाकिस्तान के ऊपर एक्शन ले रहा है और आपको पता है ये पाकिस्तान इज नाउ ऑलमोस्ट अ फेल्ड स्टेट, तो अब इनको नए लीडर्स चाहिए और नए लोग चाहिए जो फ्रंट पे आके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दें और हमारे यहाँ पर फिर यूथ को मोबिलाइज करें। ये लोग करते क्या है, हमारे यहाँ पर अलग अलग यूथ, जैसे आपके अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स, जैसे आपके बहुत ही हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, यंग लोगों को ये पकड़ते हैं जिनको रेडिकलाइज कर सके थ्रू द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, थ्रू द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ऐसा कुछ हुआ भी है, अभी कुछ टाइम पहले NIA ने एक मॉड्यूल बस्ट किया था लखनऊ में और वो इंजीनियर्स का था। सोचो, पढ़े लिखे लोग ISIS के मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। लाइकवाइज केरला में होता है, पढ़े लिखे लोग इंजीनियर लोग ISIS जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। सो दैट इज द मोडस ऑपरेंडी, यूथ को एक्टिवेट करो, स्लीपर सेल्स बनाओ और उसके बाद इनको फंड्स प्रोवाइड करो, इनको हेल्प प्रोवाइड करो, बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करो, ताकि ये जाकर लोन वॉल्फ टाइप के अटैक्स करें। तो अभी जो आप लोन वॉल्फ अटैक्स यूरोप में देख रहे हो सकता है इसी टाइप के अटैक्स आप अब आने वाले टाइम पीरियड में शायद इंडिया में देखो, इफ NIA इज नॉट सफिशिएंटली बस्टिंग दीज टेरर मॉड्यूल्स, और दिन रात काम लगा हुआ है इन टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट करने में। एक रेलवे एक्सीडेंट से हिसाब से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, रिसेंट टाइम पीरियड में आप देखो बहुत सारे रेल एक्सीडेंट्स होते होते बचे हैं या तो हो गए हैं, इन पर हम आएंगे कि क्या ये वाकई टेररिज्म की वजह से कॉज्ड है, एंड सेकेंडली क्या इसमें करना चाहिए हमें, कैसे ISIS इंडिया में अपने आप को बढ़ा रहा है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। बट बिफोर दैट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी आपको एक स्ट्रक्चरल तरीके से तैयारी करना चाहता है, कराना चाहता है, पूरा आपका फाउंडेशन क्लियर करवाकर। देखो, अगर आप डेली ऑफलाइन आते हो, क्लास में बैठते हो, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है आपके डिसिप्लिन में, रूटीन में, स्टडीज प्रॉपरली हो पाती है, आप डिसिप्लिन तरीके से तैयार कर पाते हो अपने सारे सब्जेक्ट्स, और डेली क्लास करने से वो कंटेंट आपको बिल्कुल दिमाग में रटा जाता है। अलॉन्ग विद दैट यू नीड सर्टेन एस्पेक्ट्स इस नॉलेज के साथ साथ ही जो बैच में मिलेगा, करंट अफेयर्स का आपको कंटेंट चाहिए, एसे चाहिए, CSAT की प्रिपरेशन चाहिए, इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप की भी रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट आपको बहुत सारे इसमें सॉल्व करने होंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, तो ये सारे फीचर्स भी आपको इन्हीं कोर्सेज के साथ प्रोवाइडेड है। तो करोल बाग में इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का बैच चल रहा है जिसकी डेट्स अगेन आपके लिए लिखी हुई है, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रयागराज में इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों की बैचेस चलेंगे। तो आपको अगर दिल्ली नहीं आ सकते, प्रयागराज आ जाओ। इनफैक्ट इन तीनों कोर्सेज के बारे में अगर आपको इंक्वायर करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां क्लिक कर दो, या फिर ऑफलाइन सेंटर में आ जाओ काउंसलिंग के लिए, बात बात करने के लिए, तब भी आपको आराम से ये सब चीजें मिल जाएंगी। और अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना हो तब भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे इंस्टॉल कर सकते हो। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी पर इम्प्लीकेशंस होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। रेलवेज क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि रेलवेज इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड, 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज इंडियन रेलवेज में काम करते हैं और ये पूरा नेटवर्क जो है हमारे पूरे भारत में यहाँ पर स्ट्रेच्ड आउट है। अगर आप रेलवेज को एज सच इम्पैक्ट कर पाते हो तो बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, रिसेंट टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे रेल एक्सीडेंट जो है या फिर होते होते बच्चे, जैसे वंदे भारत का जो ट्रैक है उसके ऊपर आयरन ब्लॉक रखा हुआ था और बहुत ही कम टाइम पीरियड बचा था, इस ब्लॉक को हटाया गया और रेल एक्सीडेंट को प्रिवेंट करवाया गया। पिछले साल बालासोर ट्रेजेडी हुई थी 2023 में, जब आपके 1000 लोग मर गए थे यहाँ ओडिशा के एक ट्रेन एक्सीडेंट में, जहां पर 3 ट्रेन इन्वॉल्व थी। सो ये एक मेजर एक्सीडेंट था जहां हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का फेलियर हुआ। ऐसे फेलियर्स एक्सटर्नल एक्टर्स भी करवा सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एंड दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। इसके पहले भी मेजर वेव ऑफ रेल एक्सीडेंट आई है 2017 के आसपास, और तब अगस्त 2017 में सुरेश प्रभु, उस टाइम के रेल मिनिस्टर, को रिजाइन करना पड़ा था बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रेशर। इतने सारे रेल डिरेलमेंट्स आ रहे थे और तब भी यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि हो सकता है इसमें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स
जो आपके टेररिस्ट है, जो इनके जो स्लीपर सेल्स हैं, उनका हाथ है। तो आईएसआईएस अपनी जो पकड़ है वो ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को अपनी पकड़ बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? दी ओवरऑल आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान इज हेल्पिंग इन आईएसआईएस एस्टैब्लिशिंग इट्स ग्रिप इनसाइड इंडिया। लखनऊ का इंसिडेंट मैंने आपको बताई दिया। ऐसे 2023 में ना एनआईए ने बहुत सारी महाराष्ट्र की लोकेशंस पर रेड मारी थी। यहाँ आपको पता होगा थाने एक डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई टू थाने सबसे पहली हमारी इनफैक्ट इंडिया की ट्रेन भी चली थी ब्रिटिश टाइम पीरियड पर। तो थाने का एक छोटा सा गांव था, उस गांव को आईएसआईएस ने लिबरेटेड डिक्लेयर कर दिया था। लिटरली यहाँ पर आपको रॉकेट्स मिले, मिसाइल्स मिली है, बहुत सारी चीजें मिली है। दिस डिनोटेड कि ये लोग कुछ यहाँ पर, जैसे आज के टाइम पीरियड में हमास वाली सिचुएशन है, हमास ने जो अक्टूबर 7 का अटैक किया इसराइल पर, कुछ वैसा प्लान कर रहे थे कि और रॉकेट्स लो, मिसाइल्स लो, और फिर पूरा जो इस विलेज के बाहर की टेरिटरी है उस तरफ इंपॉर्टेंट लोकेशंस, मे बी इवन मुंबई, यहाँ पर आप इन चीजों को फेंको, इन चीजों को, मिसाइल्स को ड्रॉप करो। इनफैक्ट ये जो फरतुल्ला गौरी, इसने भी अभी यही कहा है कि हमें जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, उनको क्या करना चाहिए, उनको रेल को डिरेलमेंट तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ में हमास टाइप अटैक करना चाहिए इंडिया पर। सो दैट्स द मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। अब इसके लिए करें क्या, सबसे पहले तो इनकी फंडिंग पर ध्यान दो। जो FATF है उस पर इंडिया को और ज्यादा लॉबी करना है, यूनाइटेड नेशंस में और ज्यादा लॉबी करना है, क्योंकि टेररिस्ट के पास अगर पैसा नहीं है, अगर इनके पास फंडिंग नहीं है, तो ये बिना हाथ खाली आते हैं, कुछ भी नहीं। टेररिज्म इज जस्ट एन इंडस्ट्री इन टूडेज टाइम पीरियड। तो आपको इसकी फंडिंग को ड्राई करना है सबसे पहले। सेकेंड इज सिक्योरिटी एफर्ट्स। NIA जैसे एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे यहाँ पर मॉड्यूल्स को कंटिन्यूसली बस्ट कर रहा है, दैट इज ऑफकोर्स नीडेड, लेकिन इसके साथ में कम्युनिटी पुलिसिंग पर भी ध्यान दिया जाए। केरला में हमने देखा बहुत रेडिकलाइजेशन था और काफी सारे आईसिस में लोग गए यहाँ से, तो उसके बाद पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग चालू कर दी, कॉलेजेस के साथ मिल गए, सिविल सोसाइटी के साथ मिल गए, और ये पता लगाने लग गए कि कौन कौन रेडिकलाइज है, ताकि सही टाइम पर एफर्ट्स लेकर डी रेडिकलाइजेशन कर सको, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी की जो फ्रंट लाइन्स है उसमें ट्राई करना चाहिए कि इन फ्रंट लाइन्स को कोई भी एक्सटर्नल एनिमी यूज ना कर पाए, क्योंकि हर एक सोसाइटी में ऐसी फ्रंट लाइन्स होती है, बस मुद्दा यही होता है कि कितना इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना इनका मिसयूज कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, तो वो डिसअलाउ करना चाहिए। बाकी और गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, एज सच गवर्नमेंट पब्लिक एडवाइजरी जारी कर सकती है, पैटर्न ऑफ अटैक्स को अच्छे से समझ के इनके ऑब्जेक्टिव्स को समझ सकती है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कर सकती है। एक सेंटर है हमारे पास, नेशनल सेंटर फॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये आपका नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, ये आपका बना हुआ है, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करो, और सर्टेन को भी स्ट्रेंथन करो, जैसे ही कुछ ऐसा अटैक होता है साइबर सिक्योरिटी के फेयर में भी, तो सर्टेन फटाफट से आ जाए यहाँ पर चीजों को टैकल करने के लिए। तो ऐसे अलग आप एफर्ट्स लीजिए कंसंट्रेटेड, जिससे हम चीजें रिजोल्व कर सकें। बाकी आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक्सप्रेस योर व्यूज। थैंक यू।